가게 돼 가방 가자. 뭐야 근데 이거 이거. 저 거는 서브라 하면 이게. 얘기 봐다 하면 이게. 이 갈릭. 칠리 갈릭. 이게 해 칠리 갈릭. 이스맨 सबसे यूनिक चीज लगी ना मुझे पता है क्या है इसकी सबसे लास्ट में करेंगे हम लेमन वाली चॉकलेट है ये सो वेलकम बैक टू माय चैनल और उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे जहाँ पर भी होंगे अच्छे होंगे मेरे लवली दोस्तों और मैं आपका दोस्त आ गया हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी अद्भुत नायाब चीज़ें जो हम कभी नहीं लेते, वो मैं लूँगा और वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि मेरे पैसे वेस्ट हुए या वो रियल में चीज़ें बुरी होती हैं। वो वैसी चीज़ें होती हैं जैसे अपन लोग किसी जनरल स्टोर में जाते हैं, हमें चिप्स लेने हैं, बिस्किट लेने हैं, क्या कोल्ड ड्रिंक लेनी है, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक लेनी है, तो कुछ ऐसी चीज़ें रखी होती हैं जो हम कभी नहीं पिक करते, कभी नहीं लेते ज़िंदगी में, सोचते हैं यार वेस्ट ऑफ मनी है। तो आज तुम्हारा भाई जाएगा, वो चीज़ें लेगा, उसको खाएगा, उसे रिव्यू करेगा और फिर आपको बताएगा कि वो चीज़ें रियल में नहीं लेनी चाहिए या उनको लेनी चाहिए। सो गाइस वीडियो में बने रहें, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। सो गाइस चलते हैं। जो तुम्हारे भाई ने चूना लगवाया है ना आज, तो कितने का बिल है वो घर आके बताऊंगा। भूल भी गया क्या क्या लिया है, ऐसी ऐसी चीज़ें ली है ना कभी तुमने उठाई भी नहीं होंगी। यार हटाना, वेस्ट ऑफ टाइम है, खर्चा हो गया यार। ये हमारा बना है 1865। तो ये जोक से बात, ये बिल साइड में रखो, कर लो ना पहले जल टिकन डाल ले। मम्मी तो जा रही, मम्मी मेरे घर से आ रहा है, यूट्यूब मनी से लाया है ये। कुछ खाने का है तुझे? नहीं मुझे लग रही भूख। तो गाइस ये है बड़ा पाव, ये मतलब पाव ये तो वैसा हो गया। ये उन्होंने वो करके दिया था, गरम करके दिया था, ये सॉगी हो गया। अब देख भाई, ये थोड़ा सा मतलब ऐसे ऐसे खाते हैं, बेहतरीन होता है ये। सो गाइस हमारा कॉन्सेप्ट ये है, फिलहाल इसको तो भूख लग रही थी इसलिए ये लिया था। तो ये खाएगा, मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्सेप्ट ये है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने बोलने लगा। हाँ, तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो जॉनी बताएगा हमने किस तरह की चीजें ली है सारी। ये वो चीजें हैं जो लोग देखते हैं और उनको दूसरा ऑप्शन मिल जाता है तो कहते हैं यार ये महंगा भी है और ये कभी खाया भी नहीं है तो ये नहीं लेते। ट्रस्ट नहीं होता, मतलब ट्रस्ट नहीं होता। हाँ, इसमें कि यार पता नहीं कैसा होगा और ट्रस्ट बनेगा कैसे जब तक आप यूज नहीं करते। तो हम आपका ट्रस्ट बनाएंगे और आपका मिथ दूर करेंगे कि ये वाकई में अच्छा है। इसमें सबसे जो यूनिक चीज लगी ना मुझे पता है क्या है, इसकी सबसे लास्ट में करेंगे हम लेमन वाली चॉकलेट है ये, जो कभी नहीं खाई होगी, कभी नहीं खाई होगी। या तो ये बहुत अच्छी होगी या तो ये बहुत ज्यादा बुरी होगी और सबका रेट भी बताएंगे। और हाँ, सबका रेट के साथ करेंगे रिव्यू ताकि पता लगे उसकी क्वालिटी की वर्थ है कि नहीं। जैसे ये है, ये कितने का है, ये चलिए तो ऐसे ले लिया। ये है तुम्हारा 55 रुपए का, तो मैं देखता हूँ 55 रुपए बढ़ते हैं कि नहीं। ये अगर थोड़ा सा गर्म होता ना, बस सौगी हो गया, गर्म होता तो अभी भी अच्छा लग रहा है, नो डाउट 55 रुपए बढ़ता है। इसमें लिखा है परफेक्ट फ्लेवर प्रिंगल्स, ये छोटा पाउच है। कौन सा फ्लेवर है ये? ये है बारबेक्यू सॉस। गाइस ये 110 रुपए का है, अभी हम बताएंगे कि ये वर्थ है कि नहीं। ये क्या निकला वो तो बाहर निकली चाहिए तो ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। टेस्ट गुड है, मतलब बुरा नहीं है, बट रेट के हिसाब से टेस्ट अच्छा है। इससे अच्छा ना बिंगो अचारी मस्ती खा लो 10 रुपए का लेके। घर
के आसपास मिल जा रहे हैं, इसके लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। टूटे हुए अंदर से ये चेंज द टॉपिक तो अगली चीज हम ट्राई करेंगे मखाना। ये बहुत हेल्दी चीज है, ये हेल्दी है मस्टर्ड मखाना। 40 रुपीस का लेगा, मेरा गैस सही था, ये 40 रुपीस का है। तो चलिए शुरू करते हैं। मखाने के ऊपर थोड़ा सा स्पाइसी वाला वो डाल दिया है, देखने से भी लग रहा है अच्छा लग रहा है बहुत। गाइस देखो, डाल के देखो, देखो कैसा हो रहा है। अच्छा है ये बर्तन, हेल्दी, ये हेल्दी चीज है, पॉकेट फ्रेंडली भी है। काम कर सब पूरा खा ले फिर। गाइस ये है महंगे बादाम सॉल्टेड आलमंड्स, कितने रुपए के हैं? उसका नाम ही है महंगे बादाम। इसमें भी 65 रुपीस का है ये तो। अच्छा ये सब ना मेरे को लग रहा है गल्फ कंट्री, क्योंकि सब में उर्दू लिखी हुई है, तो लग रहा है ये 24/7 का अरब से वो है टाइप है सऊदी अरब से। मैं यहाँ सस्ता है ऐसा कूड़ा यहाँ रखा हूँ मैं, फिर ये फेंकेगा। परसों के लेकिन अच्छा लग, क्रंच बड़ा अच्छा है गाइस। क्रंच सुना आपने? वो सुना तूने क्रंच कितना बढ़िया आया? क्रंच से ये साबित होता है कि ये फ्रेश है, बहुत अच्छा है ये। लेकिन इसको अगर आप देखोगे ना, किसी को दो बजे खाने के लिए बैठ खाइयो तो वो ना, कब से रखे थे तेरे जेब में? बोली होती सुबह सुबह मम्मी जेब में रख देती थी, भूल जाते थे रात को खाते थे, बट ये अच्छा नहीं ये ठीक था। और उसको छोड़ के अब तक सब कुछ ठीक है, वो वर्थ नहीं है। अगर वो 50 रुपए का होता ना तो वर्थ होता, सही होता। तो क्वालिटी कम थी गाइस। ये अतरंगी कलर की फैंटा पहली बार देखी है मैंने, वैसे के चुपका लेते हैं वो एक वो नहीं आता बारटेंडर। ये है मलेशियन फैंटा, क्या लिखा है? अंगूर ग्रेप, इसमें लिखा है अंगूर और ग्रेप दोनों लिखा है, तो मलेशियन फैंटा है। मैं करूं तू पीली वाली, इसमें बहुत ज्यादा शुगर होता है, फैट होता है। लोअर इन शुगर है, अगर आपको लाइफ एंजॉय करनी है ना तो ये मत लेना, अगर आपको डाइटिंग करनी है तो ही लेना, क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा नहीं है। लेकिन ये टेस्ट कैसा है, इसका टेस्ट कैसा है कि जैसे कप सिरप को है थोड़ा सा पानी मिला के ठंडा करके पी रहे हैं। एक और पी के देखता हूं थोड़ा सा टेस्ट इसका, वैसा लग रहा है रेड बुल और फैंटा को मिक्स करके और मिक्स करके फ्रिज में रख दिया, थोड़ी चीनी डाल दी और 3 दिन बाद निकाल रहा खराब हो गया फिर से। लेकिन हाँ ये है मलेशियन फैंटा, और इसका रेट क्या पता है? कितना पता? मुझे नहीं पता, हाँ रेट तो बताया नहीं। 129 गाइस, एक अकेली 129 की, और रेड बुल 115 की आ जाती है, ये वाली नहीं 129 रुपए की है, और अपनी जो इंडिया वाली है वो 35 की आती है। गाइस देख लो, अब ये सब खत्म होने के बाद खाएगा कौन? देखते हैं, शुरू कर देंगे घर ले जाएगा वो। ये बड़ा अच्छा है, ये है चुप्पा चुप। ये है क्या बे? पता नहीं ये क्या दे दिया इन्होंने, दिखा रहे वाले क्या देख रहे हो, रेनबो वाला कलर। जिंदगी में पहली बार इसके बहुत ऐड देखे हैं पर मैंने लिया है खींच। बबल गम की तरह है, ऊपर नमक लगा रखा है, वो पाउडर शुगर होती है। अच्छा है अच्छा है तो ऐसे नहीं
30 रुपए का। अरे अच्छा है ये, कैंडी वाला है। राइस हाँ, मेरे को एक हुक्के का फ्लेवर होता है, कुछ ऐसा हुक्के का फ्लेवर होता है, ये आफ्टर टेस्ट उसका हुक्के का फ्लेवर जैसा है। नहीं ये अच्छा था, मजा ही आ गया। मैं तो कह रहा हूँ वो ग्रीन एप्पल जो होता है। ये अच्छा है, लेकिन भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया। ये नहीं पता हमें क्या है। ये गार्लिक, चिली गार्लिक, ये है चिली गार्लिक। ना 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 ना, वो नहीं जो आप समझ रहे हो, चिली गार्लिक मोमोज नहीं, चिली गार्लिक पोटैटो भी नहीं, ये चिली गार्लिक ही है जिससे बनते हैं। जिससे बनते नहीं, ये 99 रुपए का है। 99 हाउस है ये। अब तक सबसे महंगा वही है क्या? फैंटा और वो प्रिंगल्स। अच्छा मुझे पता था प्रिंगल के और भी फ्लेवर होते हैं, बट वो खाए हुए हैं, बट हमने जो लिए हैं ना ऐसे फ्लेवर लिए हैं जो ये सब... तो भरा पड़ा था, कोई नहीं ले रहा था। ये वो है हनी मस्टर्ड, इसकी आपने वो खाई, वो कप सिरप पी होगी इसकी। कप सिरप सारा, जैसे बहुत सारा सामान है मेरे पास। अब इसमें पीनट भी है, पीनट भी है। अच्छा लग रहा है मुझे देखने में, इससे बहुत उम्मीदें हैं मुझे। इसलिए मैं ज्यादा मेन लगाता वीडियो से घुस जाती वीडियो। क्रंच अच्छा है इसका, कितने का था? 165 का। ये है मार्शमेलो 165 का है। हाँ। वो हमने छोटा वाला लिया था ये तो बड़ा ले रहा था, फिर हमने एक आदमी देखा वो एक चीज लेके गया। ये कैसा लग रहा है पहले बता दो, प्रोटीन जैसा स्मेल नहीं कर रहा? स्मेल लाइक अ प्रोटीन, मैंने कहा नहीं बोला। वो भी वनीला वाला फ्लेवर होता है ना, जो वो लग रहा है। खा के दिखाता हूँ कैसा पूरा सही है। जानवर की चमड़ी खाती वजह से अरे कसम से बहुत बुरा यार है। तो ये लेता कौन है, ये लेते क्यों है, ये गिरा हुआ डाले इसमें यार, दो ही खाए क्या पता वापस हो जाए। पुलिस से अच्छा वो दे देगा अदरक, मुंह का टेस्ट सही कर लू। वो है चीरी नहीं रियल में, मतलब अगर आप खाओगे ना फर्स्ट टाइम वाला ही हमारा रिएक्शन भी, तो ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे ये खा रहा हूँ चाहिए है। ले लूंगा मैं, दो ले लूंगा, कैसे भी पैसा लगा के दो ले लूंगा, ये नहीं लूंगा कभी। 169 भाई बहुत बुरा रहा है। इनको पता है महंगा तो, क्योंकि दोबारा तो कोई लेगा नहीं है, तो एक ही बार में कार्ड को रखें। मार्शमेलो वालो इसको थोड़ा पका के दे दो हमें, ये पकाया जाता है। अच्छा हमें पता नहीं था ये पका के खाया जाता है, हमने पूछा था दुकान पे। हाँ, मतलब कह रहे हैं आप ऑप्शनल है, ऑप्शन है पका के खा सकते हो, लेकिन रियल में गए ऐसा लग रहा है ये खा रहा हूँ। देख लो एक बार, ले मत करना कभी। बहुत बुरा था गाइस, बहुत इस वीडियो से आपको भी पता चलेगा क्या लेना है क्या नहीं लेना है। इसलिए एक बार पैसा खर्च करके आपके लिए मैं कि आपका पैसा बर्बाद ना हो। अब तक जो हमने खाया है सिर्फ और सिर्फ चुपा चुप अच्छा लग रहा है मेरे को, चुपा चुप और बादाम उपकेत है, ये क्या है सुपर लिंक्स गाइस। वहां पर 24/7 में लोकल चीज भी ऐसी रखी होती है जैसे बहुत बहुत बड़ा ब्रांड हो,
पोस्ट पे वो वाला टैग दिखा देना, लगा के तो रखते हैं वो QR कोड वाला। ये कितने का है? किसने बोला? उसने बिल वाले ने बताया ना भैया इतने का हो गया, इसने बोला ई एम आई मिलेगी। अरे और 80 रुपए का है, स्कूल नहीं गया। लेकिन इसकी पैकिंग बहुत बुरी लग रही है, वो लग रहा है वो नहीं आता था वो अल्फाबेट 5 रुपए वाली चिप्स आती है अल्फाबेट गली में मिलती है वैसी, लेकिन इससे मुझे उम्मीदें हैं ये चीज है ना, ये सब थोड़ा सा प्रीमियम लग रहा है देखने में, थोड़ा लग रहा है महंगी क्लास में थोड़ा आइटम। कितने का था ये? कितने का था ये? 85 का था ये? नहीं शायद, पता नहीं। अरे अभी तो देखा था, कम गया। अबे देखने में कितना बुरा लग रहा है तो मुझे 80 रुपए का, ये तो देखने में इतना बुरा लग रहा है। तुम देखो ऐसा है देखने में, ये क्रैक्स आते हैं ना, क्रैक अच्छे अच्छे दिखते हैं। 10 रुपए का आता है उसके अंदर ड्यूट भी होता है, इसमें ड्यूट भी नहीं है। छोटी वाली साइकिल होती है प्लास्टिक। आय हाय मैंने बताया क्या लग रहा है, क्या रख दिया किसी ने, चीज और चीनी, बहुत सारी चीज भर के चीज मेल्ट करी, चीनी मिलाई, थोड़ा सा रोस्ट किया और पिला दिया, खा लो। अरे अरे बुराई मत किया, खाने से पहले डर जाता है आदमी, पहले पहले खाएंगे अच्छा लगेगा, पहले पहले खाया तो अच्छा लगा ना, पहले पहले में लगेगा कि सील गए हैं, बहुत दिनों से रखे थे दुकान पे, ये होते ऐसे हैं सील गए। नहीं बता, मुझे पहली बार कह रहा हूं, आफ्टर टेस्ट बहुत गंदा है इसका, मतलब जब आप खाओगे उस टाइम तो फिर भी थोड़ा सही लगेगा, हाँ भाई चल ठीक है। ये स्मेल आया था जिमर बॉय ने, मैक्स प्रोटीन टमाटो चिप्स, ये अच्छे होंगे, ये तो बिना खाए बोल दो अच्छे होंगे, ये तो लोगों ने खाए होगा मैक्स प्रोटीन, ये तो काफी लोगों ने खाया होगा, और अगर ये किसी ने खाया है तो कॉमेंट करके बता दे मुझे। स्मेल कितनी गंदी है, हाँ जिसकी स्मेल गंदी होती है ना वो हेल्थ के लिए हमेशा अच्छा होता है, और टेस्ट इसका गंदा होता है। बोली चादर पड़ती है ना घर के ऊपर, ठीक है मैंने कहा था अच्छा होगा, खाते ही बोले तो ठीक है। ये ओके बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, ये तो खाया होगा आप लोगों ने, बट ये हेल्दी है, अच्छा है हेल्दी है सर। अब कुछ पीने करते हैं, बहुत हो गया खाना, खाना खाने से बचा भी नहीं, दो ही तीन बच्चे होते हैं। पानी नहीं आता घर पे, 100 रुपए वाला पानी। अरे वो ब्लड टिंट वाटर भी तो है, ये टॉनिक वाटर भी लिया है हमने, ये है तुम्हारा ये भी बोल दूंगा 500 रुपए 500 रुपए नहीं मैं एमएल है वो 500 रुपए की 500 ml लिखा है वो कहाँ है रेट पे लिखते नहीं ओशन ये 50 रुपए की, तो ये मैं शुभ काम बोलूँगा। पानी वानी पे तो इतना इन्वेस्ट कर देना चाहिए, मस्त है। क्या बात कर रहा है, अरे बहुत मस्त है, कसम से अच्छा है। अच्छी लगी जो कम लिक्विड में पहला है, जो अच्छा लगा और मुझे इससे उम्मीद है। और मुझे आप लोगों से उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, अगर यहाँ तक देख लिया है तो आगे बढ़ते हैं। अरे दिखा दे नहीं, गलत समझेंगे कुछ लिखा उसके ऊपर। मम्मी ये अल्कोहल नहीं है, सिर्फ पैकिंग ऐसी है, इसमें लिखा है नॉन अल्कोहलिक, इसको खोलू सपना था मेरा ये अरे इसका तो मेरा सपना था ये। न्यू पानी लग रहा है।